Hey guys, welcome back. Today we solve question based on factors. So let us start now. देखिए, ये लिखा है कि 3600 क्या है 3600 इसको आप पहले क्या करेंगे एबीसी और पी क्यू आर के टर्म में चेंज करेंगे. अब कैसे चेंज करेंगे वो तरीका देख लीजिए. इसको लिख सकते हैं ना 36 × 100. इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 6 और इसको लिख सकते हैं 10 × 10. लिख सकते हैं इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, फिर 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 और फिर दूसरे 10 को भी लिख सकते हैं 2 × 5. अब आप क्या करिए 2 के पावर कितने गिन लीजिए 1 2 3 4 ये इंटू है थ्री के पावर कितने हैं 1 2 और 5 के पावर है 2. तो ये हो गया टोटल जो हम लोग लिखते थे पी क्यू आर के फॉर्म में. ठीक है तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है 2, बी का 3, सी का 5 और पी का 4, क्यू का 2, आर का भी 2. इसका जनरल टर्म्स हमने यहाँ आपको एक बार लिख देता हूँ. इसी फॉर्म में तोड़ा जाता है ए के पावर पी, बी का क्यू, सी का आर, ऐसे ही आगे तक ऐसे ही तोड़ा जाता है. ठीक है तो हमने इसको तोड़ा तो ए बी सी की वैल्यू आ गई 2 3 5 और पी क्यू आर की वैल्यू आ गई क्या 4 2 2. ठीक है अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे. टोटल गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछा है तो क्या होता है फार्मूला. फार्मूला क्या होता है टोटल गुणनखंडों के लिए पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, क्योंकि इसमें 3 टर्म है. ठीक है पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू क्या है 4, यानी 4 + 1 फिर 2 + 1 2 + 1 कितना आ जाएगा ये 4 × 5 = 3 = 3 यानी 45. ठीक है ऑप्शन नंबर सी सही. देखिए इसमें डी नहीं है, डी को हमने लिख दिया नन. ठीक है ये फार्मूला होता है. अब देखिए यहाँ पर तो हमने इतना डिटेल लिखा है ये. ठीक है ताकि आपको समझ में आ जाए. देखिए फार्मूला मैं क्या लिख देता हूँ टोटल गुणनखंड के लिए p प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, ऐसे ही लिखा जाता है. ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आपको और समझ में आएगा. ये लिखा है इसमें भी टोटल फैक्टर निकालना है तो क्या है ये 36, ये 360 है. इसको भी आप लिख सकते हैं क्या 36 × 10, फिर लिख सकते हैं 6 × 6, इसको लिख सकते हैं 10 को 2 × 5, 2 × 3, 2 × 3. ठीक है 2 के पावर क्या आ गए 1 2 3, 3 के पावर 2 और 5. इतनी बात समझ में आ गई. देखिए इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं 360 2 से भाग दीजिए 90, 45, 15, 5, 5. देखिए 3 यहाँ आ गए, 2 ही आ गया, 1 ही आ गया, वही तो हमने लिखा है यहाँ पर. हम ये नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इस तरह लिख दे रहे हैं. ठीक है देखिए आंसर आना चाहिए चाहे आप जैसे लाएं. अब देखिए फार्मूला क्या होता है पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, लेकिन इसमें क्या है हाँ 3 तक है ये. अब रखिए पी की वैल्यू 3, क्यू का 2, आर का 1, क्या आ जाएगा ये 4 3 2, 4 × 3 = 12 = 24. ऑप्शन नंबर बी. किसी को कोई दिक्कत, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा. ठीक है इसके पहले हमने पूरा एकदम क्लियर करके आपको बताया है, बताया हूँ सभी फार्मूले कैसे लिखे जाते हैं और साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी किया हूँ. ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए 120 का क्या करना है. चलिए इधर देखते हैं 120 का क्या करना है 2 30 15 3 5 1 ये हो गया. यानी हम लिख देते हैं 120 को 2 × 3 × 3 × 5 यही तो हुआ. और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए. यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू तो आपको पता ही है पी की वैल्यू 3. ठीक है अब क्या होता है पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन. पी की वैल्यू है 3, क्यू की वैल्यू 1 और आर की भी वैल्यू है 1.
ठीक है, आ जाएगा 4 2 2, 4 दुनिया 2 16, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन हो गए एक ही बेस पर, अब तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। देखिए इसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या आपको बतानी है कितने हैं। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगा, क्या है 30 की पावर 26, 25 के पावर 51, 12 के पावर 23। ठीक है, अब देखिए 30 को हम स्मॉलेस्ट में लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, 2 3 6 5 30 के पावर अगर हम 26 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। अब देखिए इसी तरह 25 को अगर हम लिखे 5 का स्क्वायर, 5 के पावर 2 के पावर 51, 12 को लिख दे क्या, 2 दुनी 4 3 12, ऐसे लिख दिया हूँ। अब देखिए अलग अलग खोल दीजिए इसको, यहाँ 2 के पावर क्या आ जाएगा 26 गुणे 3 के पावर 26 गुणे 5 के पावर 26, और ये क्या आ जाएगा 5 के पावर 51 दुनी 102, और ये क्या आ जाएगा 23 दुनी 46, और ये आ जाएगा 3 के पावर 23। अब देखिए 2 के पावर कितने हो गए, ये 46 है और ये 26, यानी 40 20 60 70 72 हो गए। ये 3 के पावर यहाँ पर 26 है, यहाँ 23 है, तो यानी 20 20 40 49 हो गए, और 5 के पावर है 128 हो गए। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और प्राइम फैक्टर पूछा है आपसे, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं, सम ऑफ प्राइम फैक्टर है ना, कुल संख्या आपको बतानी है, तो प्राइम फैक्टर का पी प्लस क्यू प्लस आर, पी की वैल्यू क्या है 72, क्यू का 49, आर का 128, जोड़ लीजिए आप 70 20 90 100, यानी 249, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए इतना तो लिखे हैं हम, एग्जाम में क्या करना है, अब दूसरी लाइन से जब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके, देखिए हमें लास्ट क्या करना है, ये लाना है हमें इसी फॉर्म में, अगर क्या लाना है, यही लाना है हमें इस फॉर्म में, आप जितना जल्दी चेंज कर लिए सीधा आंसर पाइए। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी है कि प्राइम फैक्टर इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर, नो, सीधे 72 49 28 को जोड़ के सीधे 128 को जोड़ के लिख दीजिए 249। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी प्राइम फैक्टर पूछा है, इसको भी मैं लगा रहा हूं, देखिए 7 4 8, इसको कैसे तोड़ेंगे आप, 3 7 21, और इसको क्या लिख देंगे आप 2 गुणे 5, कोई दिक्कत? अब देखिए 5 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 4 7 के पावर 4 2 के पावर 8 इंटू 5 के पावर 8। अब देखिए पहले 2 को लिख लीजिए आप, 2 के पावर 8, 3 को लिखिए 4 5 लिखिए, 8 7 15 हो जाएंगे, और फिर लिखिए 7 के पावर 8। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या यानी क्या होगा टोटल, वही तो होगा पी प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू आर, इसमें 4 है तो यस अपने आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 8 धन 4 धन 15 धन 8, कितना हो जाएगा ये 8 8 16 4 20 30 35 हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी सही है। फार्मूला याद है, कैसे चेंज करना है वो हमें सीख गए, अब आप क्वेश्चन को मिनटों में से ही देखते ही देखते उड़ा देंगे। ठीक है, देखिए अगला देखिए, इसमें क्या पूछा है, सम गुणनखंडों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, पूछा है इसमें सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि हमने क्या बताया है 6 के पावर 12, पहले आप उसी फॉर्म में चेंज करिए। ठीक है, फिर 5 के पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब, और ये हो जाएगा 5 के पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 12, 3 के पावर 12,
टू के पावर 21, 5 के पावर 6, तो ये क्या आ जाएगा, 2 के पावर 20, 30, 33 हो जाएगा, और 3 के पावर 12, 5 के पावर 6। क्या चाहिए हमको, समगुणनखंडों की कुल संख्या। अब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, समगुणनखंडों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या हमने लिखा था, पी क्यू प्लस वन आर प्लस वन, यही तो होता है। पी की वैल्यू क्या, 33, क्यू है 12, आर है 6, तो ये क्या आ जाएगा, 33 गुणे 13 गुणे 7। अब आप इसको गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, देखिए 13 से गुणा कर लीजिए पहले, 13 तिया 39 3 42 गुणे 7, 7 से गुणा कर दिए, 7 9 63 6, 7 9 14 6 20, 7 4 28 2 30, 3003 ऑप्शन नंबर बी सही है। फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और हमने देखिए हर क्वेश्चन में हम हर जगह फार्मूला लिखते चल रहे हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसके पहले अभी हम 3600 वाला किए हैं, ठीक है। तो समगुणनखंडों की संख्या चाहिए, हम 3600 लिखे हैं, इसको उस फॉर्म में सीधे कन्वर्ट करके लिख दें। ऊपर देख लेते हैं क्या अभी हमने लिखा है, 3600 कहाँ गया, 2 के पावर 4, 2 3 5, 4 2 2, क्या था, 2 3 5 4 2 2, इसका गुणनखंड हमने लिख दिया, ठीक है। इसको ऊपर लिखना, इसके पावर है ना, तो यहां लिखना है ना हमने। अब साफ दिख रहा है कि पावर है, वैसे नहीं दिख रहा था। अब देखिए समगुणनखंडों की संख्या, क्या हमने फार्मूला अभी लिखा है जस्ट ऊपर, क्या होता है, पी क्यू प्लस वन आर प्लस वन, पी की वैल्यू है 4, 2 प्लस वन 2 प्लस वन, 4 गुड़े 3 गुड़े 3, 4 तीन बार 36, ऑप्शन नंबर ए सही है। बात समझ में आई, अगला देखिए, अगर इसी में हम कह दें कि 8 का जरा बताइए, तो 8 का, ये तो इवन का है, 8 के लिए क्या है, पी को गायब कर दीजिए, क्यू प्लस वन आर प्लस वन, 2 प्लस वन 2 प्लस वन, 3 इंटू 3 बराबर 9, 8 का ही होगा, ठीक है। अब देखिए 180 के समगुणनखंडों की संख्या, 180 को हम अगर डायरेक्ट लिखें तो क्या हम लिख सकते हैं, क्या इसको क्या लिखेंगे हम, 18 गुणे 10, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 9, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3, क्या लिखेंगे इसको, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 5, ठीक है, ये हो गया। समगुणनखंडों की संख्या, P की वैल्यू क्या है, 2, Q 2, R संख्या क्या होती है, P Q प्लस वन आर प्लस वन, 2 2 प्लस वन, दो प्लस वन वन प्लस वन, क्या आ जाएगा ये, 2 3 2 12, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कितना सिंपल है। देखिए इसमें क्या पूछा है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में हम क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे, ठीक है। आई होप आप इसे कर लेंगे, लेकिन मैं इसको भी बताऊंगा। हमने कहा है पहले से भी, मेरा कमिटमेंट है कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। देखिए 6 के पावर 3 3 3, 7 के पावर 2 2 2, 8 के पावर 1 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 3 6 यानी 2 के पावर 3 3 3, 3 के पावर 3 3 3, 7 तो ऐसे ही रहेगा। 8 को क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 3 3 3,
जोड़ दीजिए, 2 के पावर जुड़ेगा, 3 3 6, सब 6 6 हो जाएंगे, और 3 के पावर 3 3 3, 7 के पावर 2 2 2, तो अभाज्य ये क्या हो गया भाई? क्या करना हमें? अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या यानी टोटल क्या होता है? पी प्लस क्यू प्लस आर, जोड़िए 6 6 6, 3 3 3, 2 2 2, क्या आ जाएगा ये? 6 3 9 2, 11, फिर 1 12, फिर 12 हो जाएगा कि नहीं? सही जोड़े हम, सही है, 12 21 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए 6400 का आ गया, ये क्या है ये 6400, इसको आप क्या लिखिए पहले तो 8 गुणे 8, फिर नहीं इसको सीधा लिख दीजिए 64 गुणे 100। 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यानी 5 5 25 24 100, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा 2 के पावर 8, 5 के पावर 2। विषम गुणनखंडों की कुल संख्या पूछा है, तो विषम गुणनखंड में आप तो जानते हैं जब भी हम आठ में जाएंगे तो पी को भूल जाएंगे, यानी क्यू प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री, ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया कि नहीं? अगला देखिए 200 में, 200 को आप क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3, 5 के पावर 2, होगा कि नहीं? 5 5 25 28 200, सही है। अब देखिए विषम गुणनखंड पूछा है, विषम क्या होता है? q प्लस वन, 3 ही होगा। अगला देखिए 360 है ये, इसमें भी पूछा है, इसको क्या लिखेंगे आप? इसका गुणनखंड क्या करेंगे आप? 2 2 4, 9 36, 2 गुणे 5, तो ये क्या आ जाएगा? 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 5, यही तो आएगा। और क्या पूछा है? विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, विषम का क्या करते हैं? क्यू प्लस वन, आर प्लस वन, क्यू की वैल्यू है 2 प्लस 1, आर की वैल्यू है 1 प्लस 1, यानी 3 गुणे 2 = 6, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए हम साथ ही साथ यहाँ भी फार्मूले लिखते चल रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, देखिए ये थोड़े से अलग टाइप के हैं, इसको भी हम कराएंगे। चलिए इतना हो गया है, तो इसको हम दूसरे वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी लंबे वीडियो हो गए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने प्रयास किया है कि सभी जितने क्वेश्चन हो सके आपको कराया जाए, ठीक है। तो ये था पूरा आपका फैक्टर, फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, ठीक है। अभी आपको इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा, आई होप। ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए, वन बाय वन वीडियो देखिएगा, अल्टरनेट नहीं करिएगा, क्योंकि एक देखेंगे तीसरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट वन में है तो कुछ टू में है, कुछ थ्री में है, इस तरह सिक्वेंस वाइज अगर आप चलेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और हमें समझाने में भी आसानी होगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ और लोग मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।